So in this class we are going to talking about the replace option. How can we use the replace option? So replace का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई डेटा ए है और पहले से ये डेटा हमारे स्टेट में मौजूद है, अवेलेबल है, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस डेटा ए को मैं बी से शिफ्ट करना चाहता हूँ, मतलब ए की जगह मैं बी चाहता हूँ, तो इसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे. ठीक है, यदि हमें कोई डेटा सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह दूसरी डेटा को पुट करना है, तो हमें रिप्लेस ऑप्शन को यूज करना है. ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी हमारे सीट में जॉन है, तो ये जो जॉन नेम है, मैं चाहता हूँ कि ये जो जॉन है ना, इसको मैं इस डेटा को मैं रिप्लेस कर दूं. मैं चाहता हूं ये जो नेम है, मैंने गलती से बाई मिस्टेक से ये नेम जॉन रख दिया है, एक्चुअली में इसका नाम यहां पर रोहन था, तो मैंने जॉन राइट कर दिया. ठीक है, तो इसको मैं चाहता हूं कि रिप्लेस करूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा. एक तो मैनुअल रास्ता है कि मैं सीट में आऊँ और ऐसे बैक स्पेस करके यहाँ पर रोहन राइट कर दूँ, बट अभी हम लोग ये क्या होता है, बिगिनर स्पेस है, मतलब हम अभी बच्चे नहीं हैं, हम अभी प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं, तो हमें इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है. हमें डायरेक्ट फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जॉन सिर्फ यहीं पर है, जॉन आगे भी तो है हमारे पास सीट में. क्लियर है? सो वी हैव टू द जॉन इज हियर, यहाँ पर भी जॉन है, देखो नीचे सीट में आओगे तो यहाँ पर भी जॉन है. तो अब आप कितना बार जाओगे, कितने कितने सेल में जाओगे और सबको रिप्लेस करोगे, राइट? दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिप्लेस ऑप्शन को चूज करेंगे. एक बार जब हम रिप्लेस करें ना, तो सभी जगह ऑटोमेटिक जॉन जो है वो रोहन से रिप्लेस हो जाए. ठीक है, ये जितने भी डेटा है जॉन वाली, ये सब डेटा ऑटोमेटिक रोहन से रिप्लेस हो जाए, जितने भी हमारे पास डेटा है. तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यूज करूँ. ठीक है, सो नाउ अब मान लीजिए कि अब आप गए सीट में और एक एक करके आप चेंज कर रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ना, एंड वी आर नॉट अ रजिस्टर और कॉपी तो काम कर नहीं रहे, हम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं कि हम एक एक पेज पलट कर जाएं और सारे में सर्च करें. एक बार हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, और उससे हम डायरेक्टली जा सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे, ताकि डेटा जो है ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाए, हमारा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके. ठीक है, सो नाउ अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस जॉन डेटा को रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ पर जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन में, रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो पूछ रहा है कि किसको रिप्लेस करना है, तो जिस डेटा को रिप्लेस करना चाहते हो उसको यहाँ पर राइट कर दो. ठीक है, और किस उस डेटा को किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं रोहन से रिप्लेस करना चाहता हूँ उस डेटा को. ठीक है, गेट माय पॉइंट, रोहन से डेटा को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जॉन जो है वो रोहन से रिप्लेस हो जाएगा. अब ध्यान देना कि रिप्लेस करने का मतलब ये होगा कि सिर्फ ये वाला डेटा ही रिप्लेस होगा, लेकिन जब हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे जॉन रिप्लेस हो जाएंगे. तो अभी मैं सिर्फ एक डेटा को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो रिप्लेस किया, क्लियर है? तो ये हमारा रिप्लेस कर गया है. तो अभी देखते हैं कि जो जॉन है वो रोहन से रिप्लेस किया है कि नहीं किया है. देखो यहाँ रिप्लेस हो गया, यस सर, क्लियर है? तो वो जो डेटा है जॉन हमारा रोहन से रिप्लेस हो गया है. अब लेकिन नेक्स्ट जो डेटा है जॉन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो सिर्फ मैंने एक सिंगल रिप्लेस यूज किया है. तो अब ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिंगल वाला ये वाला ऑप्शन यूज करोगे ना, तो सिंगल डेटा रिप्लेस होगा, लेकिन जब आप रिप्लेस ऑल करोगे तो सारे डेटा पर इफेक्ट पड़ेगा जहाँ जहाँ पर जॉन है. ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ और सी डेट, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट, वन मिनट फॉर दैट रिप्लेसिंग, या दिस सी है, रोहन इज रिप्लेसिंग फोर टाइम्स, 1 2 3, करिए पॉइंट. सो देखो यहाँ पर भी रिप्लेस कर गया, यहाँ पर भी रिप्लेस कर गया, यहाँ पर भी हमारा रिप्लेस किया हुआ है. तो जितने जगह जॉन था सब जगह रोहन से वो रिप्लेस हो गया ऑटोमेटिक, सबको दिख रहा है ये स्क्रीन पर. ठीक है, यहाँ पर भी रिप्लेस हुआ, फिर देखो यहाँ पर भी रिप्लेस हुआ है, यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया, क्लियर है? और यहाँ पर भी जो सेल था ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया. तो ये रिप्लेस करने का होता है, मतलब आप कोई भी डेटा को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो ऑटोमेटिक, क्लियर है? तो आप रिप्लेस ऑल फंक्शन का यूज करेंगे, इस ऑप्शन का यूज करेंगे. ठीक है, एनी डाउट ऑल ऑफ यू? सो नाउ वी हैव टू द रिटर्न टू दिस पार्ट, जस्ट स्टॉप टू दिस प्रोसेस.